नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट ट्रस्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज पढ़ रहे हैं और तीसरी यूनिट में जाति से संबंधित जो टॉपिक है उनका अध्ययन चल रहा है। इससे पहले हमने जाति की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ और जाति में गतिशीलता के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं उनका विवेचन किया है, उनका अध्ययन किया है। पीपीटी बेस्ड वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर करके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर किए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नियमित रूप से इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ ही अपनी टेक्स्ट बुक की भी मदद ले रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई पुस्तकें हैं जो आपको स्टडी में मदद करती हैं और छोटी पुस्तकें अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, उनको पढ़ना आसान है, इसलिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी ध्यान में रखना है और लिखने के प्रैक्टिस नियमित रूप से करनी है। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और आज फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आज का जो प्रतिस्पर्धा का समय है इसमें हमें बहुत ही चतुराई से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सोच समझ कर महत्वपूर्ण पुस्तकों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, अवधारणाओं, सिद्धांतों का समझना होता है और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में हम उनका अनुपयोग कर सकें, उनका उदाहरण दे सकें, उदाहरणों को उन सिद्धांतों पर लागू कर सकें, सिद्धांतों को उदाहरणों पर लागू कर सकें, इस तरह की हमारी समझ हो तभी उस विषय को पढ़ने की सार्थकता है, उसको समझने की सार्थकता है। जो टॉपिक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वह है जाति में गतिशीलता एवं बदलती प्रतिमान। डियर स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि जाति एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह सामाजिक स्त्रीकरण का एक स्वरूप है, एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति और समूह दोनों की प्रस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है। भारतीय समाज में एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है ये। भारतीय समाज की जो संरचना है वो जाति पर ही आधारित है और जाति भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कल की वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण जाति व्यवस्था इसमें बदलाव आ रहा है, इसका स्वरूप बदल रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है, इसके परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारे फैक्टर्स को जाना जो कि जाति में गतिशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है जाति में बदलते प्रतिमान, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जाति में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, तो इनको मैंने चार बिंदुओं के रूप में या व्यवस्थित रूप से आपके सामने रखा है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जाति व्यवस्था में, जाति संस्था में, वह यह है कि जो उच्च जाति हैं सामाजिक संस्करण में, विशेष रूप से ब्राह्मण जाति, उनके प्रभुत्व एवं शक्ति में कमी आई है। पहले ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था समाज में और वो बहुत शक्तिशाली थे, समाज में उनका महत्वपूर्ण सम्मानजनक स्थान था और सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन्हीं के हाथ में थी। तो धीरे धीरे लेकिन दूसरी जातियों का भी प्रभुत्व और महत्व बढ़ने लगा, शक्ति बढ़ने लगी, वो भी सशक्त होने लगी, समाज की मुख्य धारा में आने लगी, निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने लगी। तो इस प्रकार उच्च जातियों यानी कि ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है, शक्ति है, उसमें कमी आई है और दूसरी जातियां हैं सामाजिक संस्करण में जो मध्यम और निम्न स्तर पर जो जातियां हैं उनका भी महत्व बढ़ा है, उनकी शक्ति बढ़ी है, वो सशक्त हुई हैं, समाज के मुख्य धारा में शामिल हुई हैं, जागरूक हुई हैं, सामाजिक रूप से संगठित हुई हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कि जाति बंधन और भेदभाव हैं वो शिथिल हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था लेकिन संविधान लागू होने और कानूनी प्रावधानों, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक परिवर्तन, जागरूकता और उदारवादी सोच के कारण और इन जातियों के आर्थिक
और राजनीतिक उत्थान के कारण जो जाति आधारित जो भेदभाव थे वो कमजोर पड़ने लगे हैं। अब जाति के आधार पर भेदभाव कम हुए हैं, खान पान संबंधी प्रतिबंध शिथिल हुए हैं, विवाह और व्यवसाय संबंधी बंधन शिथिल हुए हैं। तो इस प्रकार और जाति में जो जन्म आधारित जो जाति का महत्व है वो कम हुआ है, आर्थिक स्थिति का यानी वर्ग का महत्व है बढ़ा है। तो इस प्रकार जातीय बंधन और भेदभाव शिथिल हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि जाति जो कि एक प्रदत्त परिस्थिति है, इसका तात्पर्य है कि जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाती है और वो जीवन भर व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता है। इसलिए जाति को हम बंध स्तरीकरण का उदाहरण कहते हैं। ये बंध सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, यानी इसमें सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं है। तो जाति प्रदत्त परिस्थिति है, उसकी अपेक्षा वर्ग यानी अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ा है। व्यक्ति शिक्षा अर्जित करके, नौकरी अर्जित करके या अपने व्यवसाय में सफल होकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेता है और निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में आ जाता है, यानी कि वर्ग बदल सकता है। वर्ग खुले स्तरीकरण का उदाहरण है, ये खुली सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। खुले समाज में पाया जाता है, औद्योगिक नगरीय समाजों में वर्ग पाया जाता है, ग्रामीण और जो कृषक समाज है उनमें जाति का महत्व ज़्यादा होता है। तो वर्ग अर्जित परिस्थिति है, व्यक्ति अपनी गुण योग्यता और प्रतिभा के आधार पर वर्ग की अपनी जो स्थिति है वो बदल सकता है। तो वर्ग का महत्व बढ़ा है। शिक्षा प्रसार से, सामाजिक परिवर्तन से, संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों से, भूमंडलीकरण और आधुनिकीकरण, इस तरह की सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, लौकिकीकरण, इन सब के कारण जन्म से प्राप्त होने वाली जाति की अपेक्षा व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है यानी वर्ग का आधार आर्थिक होता है उसका महत्व बड़ा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ये बदलते प्रतिमान है जो जाति संस्था में व्यवस्था में हम समाजशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और वो घटित हो रहे हैं। और चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि जाति का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो रहा है। जाति संस्था पूरी तरह नहीं बदल रही है लेकिन इसका स्वरूप जरूर बदल गया है। उदाहरण के लिए जाति का जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक कर्म कांड की दृष्टिकोण से जो महत्व था वो कमजोर हुआ है और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। राजनीतिक आधार पर जातियां संगठित हुई है, उनमें राजनीतिक चेतना आई है, सामाजिक चेतना आई है, वो अपने लोगों के उत्थान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में आने के लिए हित समूह के रूप में संगठित हुई है और अपनी बातें राजनीतिक दबाव के माध्यम से मनवाती है। तो वो दबाव समूह भी बन जाती है। कभी कभी आरक्षण के लिए या आरक्षण पर कभी प्रश्न उठता है उसके लिए या कोई कानूनी प्रावधान होते हैं उनको लेकर अगर जातीय समाज संगठित होता है, एक जातीय चेतना जागृत हो जाती है कि कानून हमारी जाति विशेष के लिए नुकसानदायक है या हमारे हितों के खिलाफ है या हमारे साथ अन्याय का पथ प्रशस्त कर सकता है, मार्ग प्रशस्त कर सकता है या इससे हमारा शोषण हो सकता है या हमारे हितों की रक्षा में कमजोरी आ सकती है, तो उस आधार पर जाति है जो संगठित हो जाती है और राजनीतिक रूप से अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए राजनीतिक दबाव डालती है। तो वह दबाव समूह का काम भी करने लगती है। हाल ही में भारतीय समाजों में इस तरह के उदाहरण देखते हैं, आरक्षण के लिए या कानूनी प्रावधानों में बदलाव को लेकर या विशेष कमजोर वर्गों के लिए या जाति विशेष के लिए कुछ विशेष रियायतें, सुविधाएं देने के लिए, इस तरह के बहुत से उदाहरण देखे हैं जहाँ जाति ने हित समूह और दबाव समूह के रूप में काम किया और वो जाति उन कार्यों को करवाने में सफल भी हुई हैं। तो इस प्रकार जाति का स्वरूप बदल गया, वो हित समूह और दबाव समूह के रूप में काम करने लगी है। रजनी कोठारी भारत के प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स और रोडोल्फ एंड रोडोल्फ एक समाज वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ये पुस्तक LI रोडोल्फ एंड SH रोडोल्फ की है। इसमें उन्होंने इसका दृष्टांत
दिया है, इसके तथ्य प्रस्तुत किए हैं और ये बात सत्यापित की है कि जाति का जो स्वरूप है वो हित समूह और दबाव समूह के रूप में आ रहा है, बदल रहा है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जाति में जो परिवर्तन आया है वो है शूद्र जातियों का उत्थान। भारतीय समाज जाति पर आधारित है और जाति एक समाज को संस्तरण के आधार पर समाज का खंडात्मक विभाजन कर देती है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये ऊपर से नीचे का संस्तरण है। इन वर्णों से संबंधित जो जाति हैं वो इसी तरह ऊंचे से नीचे क्रम में है समाज में, व्यवस्थित रूप से संस्तरणात्मक रूप से खंडात्मक रूप से विभाजित हैं। तो इस जाति संस्तरण में जो निम्न स्तर पर जो जातियाँ हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो वो जातियाँ हैं वो शिक्षा के प्रसार से, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, संवैधानिक वैधानिक प्रावधानों से, जागरूकता से, सामाजिक परिवर्तन से, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, भूमंडलीकरण, इन सब प्रक्रियाओं के कारण उनका उत्थान हुआ है, उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है, वो जागरूक हुए हैं, संगठित हुए हैं अपने हितों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जाति संस्था के अंदर, जहाँ जन्म के महत्व में कमी आई है, यानी अर्जित परिस्थिति का महत्व कमजोर हुआ है, प्रगतिशील विचार, नए मूल्य, कानून, संवैधानिक वैधानिक प्रावधानों से, संस्कृतिकरण इन प्रक्रियाओं से, और शिक्षा है, जागरूकता है, सामाजिक परिवर्तन है, भूमंडलीकरण है, जन संस्कृति है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स जिनका कल हम विवेचन किया था, जिनके कारण जाति में गतिशीलता आई है, इसके कारण जाति का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, जाति में इस तरह के जो प्रतिमान हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। ये समाजशास्त्रीय अध्ययन से निष्कर्ष निकल कर सामने आए हैं। इनका जो सार है मुख्य रूप से वो ये है कि जाति पूरी तरह विघटित नहीं हुई है, जाति पूरी तरह विघटित नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, और जाति एक तरीके से पैरा कम्युनिटीज़ के रूप में काम कर रही है, ऐसा एलआई रोडोल्फ एंड एसएच रोडोल्फ का मानना है कि ये जो पैरा कम्युनिटीज़ है वो जाति के सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक और राजनीतिक लाभ हेतु आगे बढ़ने में समर्थ बना रही है। और दूसरे जो समाज वैज्ञानिक हैं उनका भी यही मानना है कि विभिन्न कारकों से जाति के जो ये विवाह, खान पान, सामाजिक अंतर्क्रिया संबंधी प्रतिबंध, व्यवसाय, छुआछूत, अनुष्ठानिक जो नियम हैं वो शिथिल हुए हैं, और राजनीतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए जाति हित समूह और दबाव समूह की भूमिका धारण कर रही है। तो इससे एक तरफ जाति एकता यानी जातिवाद की भावना सुदृढ़ हो रही है, और तो दूसरी तरफ जातियों में राजनीतिक चेतना भी बढ़ रही है। जातीय समितियां एलआई रुडोल्फ और एसएच रुडोल्फ में कई मानना है कि ये इस तरह की जो जातीय समितियां हैं, पैरा कम्युनिटीज है, वो इनका जो निर्माण है वो इस प्रवृत्ति का सूचक है कि एक और ये जातीय समितियां हैं वो सामाजिक विधान है, संवैधानिक प्रावधान है, विशेष सुविधाएं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, राजनीतिक चेतना है, इनसे जाति बंधन दृढ़ भी हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ जाति बंधन शिथिल भी हुए हैं, जो भेदभाव हैं, दोनों तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। भारत के जाने माने समाजशास्त्री भी हैं डॉक्टर योगेश अटल, उनकी पुस्तक है द चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जाति अभी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, और इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो अधिकांशतः सतही परिवर्तन है, इसका इसमें व्यापक परिवर्तन नहीं होने हैं, बस ये अपना स्वरूप बदल रही है। इसी तरह आर एन सक्सेना है, भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएं उनकी पुस्तक है, उन्होंने ये कहा है कि जाति को निर्मूल समाप्त करने की बात समाजशास्त्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तथा जाति प्रथा स्वयं में समाप्त हो रही है, यह निराधार है। इसी तरह के एल शर्मा ने अपनी पुस्तक इंडियन सोसाइटी में लिखा है कि जाति अनुकूलनशीलता तथा समूह उत्थान की शक्ति से संबंधित जो अध्ययन है उनसे ये
सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि जाति विघटित हो रही है। इसका कारण उन्होंने बताया कि इसमें अनुकूलन की अपूर्व क्षमता है। तो अनुष्ठानिक स्तर पर यानी कर्मकांड के स्तर पर जाति प्रथा की सामूहिकता जो है एकजुटता है वो कमजोर हुई है, घटी है, लेकिन राजनीतिक आर्थिक स्तर पर ये बढ़ी है। इसी तरह एम एन श्रीनिवास ने अपने पुस्तक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज इसमें लिखा है कि उन्होंने निष्कर्ष के रूप में बताया कि जाति जो शक्तियाँ हैं वो आधुनिकीकरण के कारण कमजोर पड़ने के बजाय अधिक मजबूत हो रही है। तो इस तरह समाज वैज्ञानिकों की ये राय है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि भाई नए जो परिवर्तन आए हैं उन्होंने जाति को पहले से अधिक अनुकूलनशील बना दिया है। तो एक तरफ जो परिवर्तन आए उन्होंने जाति बंधनों को भेदभाव को शिथिल किया है, तो दूसरी तरफ जातीय चेतना को सुदृढ़ किया, इन बंधनों को सुदृढ़ भी किया है। तो दोनों ही तरीके की चीज़ें हो रही हैं। निष्कर्ष के रूप में भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जाति विघटित नहीं होकर नए स्वरूप में परिवर्तित हो रही है, और सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में इसका सामाजिक धार्मिक और अनुष्ठानिक क्षेत्र में इसका प्रभाव शिथिल हुआ है, जबकि राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव बढ़ा है। और यह कहना वैज्ञानिक दृष्टि से अतार्किक है कि जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है। तो ये जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान हैं, उनके संबंध में जो परिवर्तन गठित हो रहे हैं उनका बिंदुवार मैंने विवेचन किया है, क्यों गठित हो रहा है ये भी बताया है, और समाज वैज्ञानिकों की क्या राय है इसका बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है जाति में गतिशीलता है बदलते प्रतिमान, इसको आपने बेहतर ढंग से समझा है, और आगे इससे संबंधित जो अवधारणाएँ सिद्धांत है उनको समझने भी इससे इस टॉपिक से आज की चर्चा से आपको मदद मिलेगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।